गाइज वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए फिर से ले आया हूं एक बना बनाया असाइनमेंट एकदम फ्री। तो गाइज हमारा जो आज का असाइनमेंट है वो हिस्ट्री का असाइनमेंट है, और हिस्ट्री जो हमारे बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो गाइज हमारा जो असाइनमेंट है ये मैं आपको आज बिल्कुल एकदम फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी इस असाइनमेंट के बदले। तो देखिए गाइज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमने EVS, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस जैसे और भी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट की वीडियो बना रखी है। तो गाइज अगर आपने उन सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं बनाया तो आप उन वीडियोस को देख के बड़े आराम से अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो गाइज कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पर ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो असाइनमेंट की हम डालने वाले हैं उसका लिंक आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए गाइज इस असाइनमेंट को कैसे करना है मैं अब आपको ये बताऊंगा। तो देखिए गाइज ये मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका क्वेश्चन होगा हड़प्पा सभ्यता वाला। तो गाइज आपको इससे एज इट इज़ नोट कर लेना है और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको ऐसे ही नोट कर लेना है और कुछ नहीं करना, और जहाँ जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो जैसे कि गाइज हमने बहुत से पॉइंट्स वाइज लिखा है आंसर, तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको उनको आगे पीछे करके चेंज कर लेना है, बस इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना। वैसे तो गाइस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं सोल में, तो टीचर कभी एक टीचर के पास सारी कॉपी नहीं जाती, ये बात आप खुद जानते हो, एक टीचर कभी नहीं चेक कर पाएगा, और ऊपर से पीडीएफ उन्हें चेक करनी होगी तो पीडीएफ में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी चेक करने में। तो गाइस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सेम का तो कोई राड़ा ही नहीं है, तो आप बेफिक्र होके बिल्कुल एज इट इज़ उतार सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी आप सोचो कि मार्क्स वगैरह कटेंगे बिकॉज कुछ यूट्यूबर्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाइस वो असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे बिकॉज उनके पास कोई चारा नहीं है इन बातों के अलावा। तो बोलेंगे गाइस आप समझते हो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, वो असाइनमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे आपको, तो वो आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आप खुद बनाइए अपना। आप गाइस आपने कभी पढ़ा नहीं है इस चीज़ को, आपने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी होगी मैं जानता हूँ, तो आप कैसे बनाओगे असाइनमेंट को ये आप खुद बताओ। बुक में लिखने से तो अच्छा है टी पर टापी आप किसी के असाइनमेंट से बनाओ वो ज़्यादा अच्छा है, किसी वीडियो के थ्रू बना लो वो ज़्यादा अच्छा है, तब भी तो गाइज आपको मार्क्स मिलेंगे ही ना। ऐसा तो है नहीं टीचर आपको लिखने के नंबर ही ना दे, ऐसा तो कभी नहीं होता, ये बात तो आप जानते हो। अगर आप लिखते हो तो टीचर आपको पूरे नंबर देता है, ये बात भी आप जानते हो बिल्कुल, बट आपके शायद थोड़े बहुत मार्क्स काट ले अगर सेम वेम दिखे टीचर को, तो थोड़े बहुत इक्का दुक्का मार्क्स ही कटते हैं, ये बात आप खुद जानते हो, क्योंकि टीचर को असलियत तो नहीं पता, क्योंकि गाइस आप खुद जानते हो जिस बच्चे ने अपनी मेहनत से खुद ने बनाया होगा, अब टीचर को ये तो पता नहीं होता किस बच्चे ने अपनी मेहनत से बनाया है, तो टीचर ज़्यादा मार्क्स नहीं कट करता बिकॉज वो जानता है कि किसी ने बच्चे ने तो मेहनत से बनाया होगा, अब मैंने सबके मार्क्स काट लिए तो उस बच्चे की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो गाइस ये इस भेदभाव को ना करने के लिए टीचर भी बहुत ध्यान से कॉपीज चेक करता है, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप टीचर आपका मार्क्स काट लेंगे या वगैरह वगैरह, तो आप दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बात को ना सुनते हुए अपना असाइनमेंट नोट डाउन करते रहिए और बनाते रहिए। और गाइज मैं यहाँ पे आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो भी यूट्यूबर्स हैं जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बात वो ये वाली बात आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे नोट डाउन मत करो कॉपी मत करो ये वो, बिकॉज गाइज वो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, वो इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है, COVID-19 के टाइम चल रहा है ये बात आप खुद जानते हो, कोरोना चल रहा देश में, तो टीचर ये बात खुद जानता है कि यार सिचुएशन बहुत ख़राब है हमारे देश की, तो टीचर कभी इतना कॉपी चेक करते में जोर नहीं देगा, ये बात आप खुद जानते हो। तो बाकी जो अदर्स यूट्यूबर्स हैं वो कैसे कह सकते हैं कि आपके मार्क्स कटेंगे, आप दूसरों से टिप होगे तो आपके पूरे मार्क्स काट लिए जाएंगे, नहीं गाइज ऐसा नहीं होगा, ये बात आप खुद जानते हो कि हमारे भारत देश में इतने बेकार लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे खासे लोग हैं, सबकी हेल्प करना जानते हैं, और हमारा भारत देश का कल्चर भी ऐसा है कि वो सबकी हेल्प करता है, जैसे कि आप जानते हो आपने पढ़ा भी होगा कि हमने बहुत सारे देशों की हेल्प करी है, और हम करते भी हैं और हम लेते भी हैं, ये बात आप जानते हो, हम सारे देशों के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं। तो गाइज आप समझिए कि टीचर ऐसा कभी नहीं करेगा, और आप उन यूट्यूबर्स की बात सच मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था कि गाइज आप ऐसे ही एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और गाइज आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं मेरे को, मैं आपके कमेंट के बेस पे आपको समझाने की बहुत कोशिश करूँगा। और गाइज आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चंस आपके होंगे तो मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं मेरे को, कुछ भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अपने डाउट्स एकदम क्लियर करके चलिए मेरे से, मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये बात आप खुद जानते हो, जो सब्सक्राइबर मेरे को मैसेज करते हैं, व्यूवर, मैं उनके सारे रिप्लाई करता हूँ। मेरे पास जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। गाइस कुछ लोगों ने मेरे से PDF की बहुत रिक्वायरमेंट करी है, तो गाइस प्लीज़ समझिए मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं करवा सकता। गाइस ये बात तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को भी इस वीडियो के थ्रू कुछ मिलना चाहिए। तो गाइस आप समझिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दो तो आप डायरेक्ट PDF से ही बना लोगे, आप वीडियो बिल्कुल भी वॉच नहीं करोगे और आप डायरेक्ट PDF के थ्रू असाइनमेंट बना लोगे। तो गाइस जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो थोड़ी मेहनत कर सकते हो, आप वीडियो को रोक रोक के सब कुछ असाइनमेंट पूरा क्लियरली बना सकते हो, ये बात आप खुद जानते हो। बट गाइस आप नहीं बनाना चाहते, आपको बस डायरेक्ट PDF चाहिए और आपको सब कुछ ऐसा लपा तुपा मिल जाए तो आप बिल्कुल बना लोगे। बट गाइस थोड़ी मेहनत करना सीखिए, ये बात आप खुद जानते हो, आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी तभी आपको ऐसे असाइनमेंट वीडियो वगैरह से देख के बनाने पड़ रहे हैं। बट गाइज आप समझिए कि मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं करा सकता, मैंने जितना हो सकता था आपसे मैंने आपको कराया। तो देखिए गाइज हम अपने 4th पेज पे आ गए हैं, तो 4th पेज से हम चलेंगे अपने डायरेक्ट 5th पेज की ओर। और गाइज मैं आपके लिए इतना आराम आराम से इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ नज़र आ जाए क्लियरली और आपको जो असाइनमेंट है वो बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये बात तो आप खुद जानते हो गाइज, क्योंकि मैं वीडियो को लंबी बनाना चाहता नहीं हूँ, बिकॉज आपको कुछ भी अच्छे से साफ नज़र नहीं आएगा अगर मैंने वीडियो को लंबी बना दिया और जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दे, तो आप खुद जानते हो कि आपका क्या होगा। आपको जब वीडियो रोकोगे आप बिल्कुल भी लिखने के लिए तो आपको कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आएगा, सब कुछ आगे पीछे भागेगा। इसलिए गाइज मैं बहुत आराम आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपको इस जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपको इस वजह से PDF की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात आप खुद जानते हो। और गाइज आप भी प्लीज़ हर किसी की हेल्प करने की सोचिए, क्योंकि गाइज हमारे देश में टाइम ही ऐसा चल रहा है, हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा टाइम चल रहा है COVID-19 का। तो प्लीज़ आप भी जिसकी जितनी हो सके उतनी हेल्प कीजिए, आपका जितना बन सके आप उतना करिए, बट प्लीज़ करिए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम इस सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे, ये बात आप खुद जानते हो। तो प्लीज़ गाइज हेल्पफुल बनिए इस सिचुएशन के लिए, आगे चाहे आपकी मर्जी हो बट आज के टाइम पे आपको बनना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद जानते हो सिचुएशन कैसे चल रही है, जैसे कि मैं आपके लिए हेल्पफुल बन के आ रहा हूँ ये बात आप खुद जानते हो। गाइज फिलहाल तो मुझे अभी इन YouTube वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये बात आप खुद जानते होगे, बट आप समझ सकते हो कि मैं आपकी हेल्प क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं जानता हूँ कि COVID-19 का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। और गाइज आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ जो आप मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दे के बात करते हो, और गाइज मेरे को समझते भी हो आप शायद थोड़ा बड़ा एज में, बट नहीं गाइज मैं आपकी एज का ही हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा हूँ तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, ज़्यादा उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। गाइज आप बहुत समझते हो शायद मेरे से, बहुत व्यूवर ने मेरे क्वेश्चंस भी पूछा कि सर आप ये हो, सर आप इतने बड़े हो, सर आप इतने हेल्पफुल हो, सर आप ऐसे करते हो, सर कैसे कर लेते हो। बट गाइज मैं आपको ये बताऊँ कि मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं हूँ, मैं भी आपके स्टैंडर्ड का हूँ, मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, बस मेरे को पढ़ाने का शौक है शुरू से, तो मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ साथ साथ और आपको पढ़ा भी देता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं गाइस। तो आप समझिए कि जैसे कि मैं आपके लिए हेल्पफुल बन रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से अपना टैलेंट शो करके, अपना आपका टैलेंट शो कर करके आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको, मेरे को पढ़ाने का टैलेंट बहुत है और मेरे को पढ़ाने का शौक बहुत है गाइस, जैसे कि मैं आपके लिए ये सब ला रहा हूँ, और इससे पहले भी मैंने पॉलिटिकल साइंस BA वालों को बहुत पढ़ाई है। तो गाइज आप समझिए जैसे मैं आपको और कर रहा हूँ हेल्प, आप भी ऐसे किसी और को अपने टैलेंट के थ्रू कर सकते हैं हेल्प, तो आप भी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और गाइज प्लीज़ मेरे से PDF नहीं मांगीजिएगा, आप बहुत मैसेज करते हो मुझे PDF के लिए और आप कमेंट भी बहुत करते हो, तो गाइज बिल्कुल भी PDF मांगीजिएगा। देखिए हम अपने इस असाइनमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं और हम कर भी लेंगे ख़त्म। तो देखिए हम अपने 5th पेज पे आ गए हैं और जल्दी जल्दी हम स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाइज ये बिल्कुल वीडियो लंबी बनती जा रही, तो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, बट मैं बोल ज़्यादा जल्दी रहा हूँ और गाइज मैं वीडियो कम स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वीडियो पर फोकस करता हूँ और अब बोलता कम हूँ, बिकॉज गाइज मैं बोल बोल के बहुत थक गया हूँ, आप भी जानते हो कि मैं नॉन स्टॉप कितनी तेज़ी से बोले जा रहा हूँ। तो देखिए गाइज हमारा जो 1st क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है, तो आपको ये जब 1st क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपको भी ऐसे पेपर छोड़ देना और फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट
पेपर से स्टार्ट करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किसी चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो आपको चार पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए गाइस, हमने लिख रखी है, क्वेश्चन हमने नोट डाउन करा, फिर देखिए मोहनजोदड़ो पे हमने संक्षिप्त टिप्पणी लिख रखी है, आपको एज इट इज़ उतार लेना है, बस आपको आगे पीछे करके उतार लेना है। जैसे मोहनजोदड़ो का सबसे पहले लिख रखा आपने, हमने, तो आप सबसे लास्ट में उतार लीजिएगा। ऐसे ही आपको आगे पीछे करके सब कुछ नोट डाउन कर लेना। और गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा अच्छे से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी देखने में। बिकॉज गाइज, अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी राइटिंग में डिफरेंस आ गया, बिकॉज गाइज ये दो बच्चों की राइटिंग है, मतलब मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो वो ही मेरे को ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, बट मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि गलत होगा या कुछ भी, बिल्कुल सही आंसर है गाइज, मैंने चेक करे हैं और आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। और गाइज, ये बात तो आप खुद जानते हो, कुछ नहीं से तो कुछ तो बेटर है, ये बात आप खुद जानते हो। तो आप प्लीज़ ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा और मेरे से प्लीज़ ज़्यादा क्वेश्चन मत करीजिएगा, क्योंकि आप गाइज छोटी मोटी गलती भी पकड़ते हो और फिर आप मेरे से बोलते हो कि सर इसमें ये है, सर इसमें वो है। वो अच्छी बात है गाइज कि आप अपने डाउट क्लियर कर रहे हो, वो अच्छी बात है, बट गाइज आप इतना तो समझदार हो कि छोटी मोटी जो गलती है वो तो आप भी ठीक कर सकते हो। जब आपको गलती पता है तो आप उसे सही भी तो करना जानते होगे, तो गाइज प्लीज़ उसे सही कर लीजिएगा। आप मेरे को शो क्यों करते हो वो चीज़ गलती, शो करने से कुछ फ़ायदा थोड़ी होगा आपको, ना मेरे को फ़ायदा होगा, मैं आपको बस आपकी गलती जो मैं करता हूँ वो क्लियर कर सकता हूँ, और क्लियर आपको करना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोली है, आपको डाउट्स अपने क्लियर करने चाहिए। बट गाइज, जो जिस चीज़ के आप पूछते हो मेरे से, जो चीज़ मेरे को गलतियाँ बताते हो, वो गाइज आपको खुद उसके आंसर्स पते होते हैं, खुद आप ठीक कर सकते हो उन गलती उसको, पर आप करते नहीं हो गाइज। ये बात आपकी बहुत बुरी लगी मुझे, आप बिल्कुल खुद नहीं करते, तो खुद करने की कोशिश कीजिए गाइज। आप जानते हो वो सब चीज़ें, फिर भी आप मेरे आगे ऐसे क्वेश्चंस करते हो और मेरे से पर्सनली मैसेज करते हो और यूट्यूब वगैरह, मतलब यूट्यूब पे कमेंट भी करते हो आप, फेसबुक पे भी करते हो मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी बहुत करते हो। तो गाइज समझिए थोड़ा आप, मैं आपके रिप्लाई इतनी फास्टली क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि गाइज मेरे पास बहुत बर्डन है, एक तो आपका जो असाइनमेंट है इसकी वीडियोस बनाने का, और ऊपर से आप जो इतने सारे मैसेजेस करते हो और ऊपर से जो कमेंट आ रही है मेरे पास और फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आ रहे हैं आपके, तो गाइज इस चीज़ के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, आप खुद जानते हो। आपके पास मुश्किल से 10-12 मैसेजेस आते होंगे, बट गाइज मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपके बहुत सौ के तो रिप्लाई भी नहीं कर पाता। मेरे को जितनों का टाइम मिलता है मैं ज़रूर करता हूं, जितना भी टाइम मिलता है। अब गाइज आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके रिप्लाई नहीं कर रहा तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट गाइज मेरे को जितना टाइम मिलेगा मैं आपके लिए सबसे पहले आगे आके खड़ा हूँगा, ये बात आप खुद जानते हो। तो देखिए गाइज अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, नेक्स्ट पेज पे हमने बहुत सारी बातें लिख रखी हैं, तो आपको भी ऐसी ये सारी बातें लिख लेनी है, ऐसे ही नोट डाउन कर लेनी है। और गाइज अगर आपको कुछ मतलब समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं वहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम पे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और बिल्कुल करूँगा गाइज, ये बात आप जानते हो, मैं ज़रूर आपके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ, बेशक एक दिन बात करूँ, बट गाइज करूँगा ज़रूर, आप बेफिक्र रहिए उस चीज़ का। तो अगर आपको इन राइटिंग वगैरह में किसी में या किसी में भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सब कुछ डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और तो देखिए गाइज हम अपने जल्दी से नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ये बहुत लंबी बनती जा रही है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी बने। और जहाँ तक गाइज हमारा ये 5th पेज आ रहा है, यानी कि जो 10th पेज है, तो मैंने बताया कि दो दो मतलब हैंड राइटिंग है, मतलब दो दो बच्चों ने बनाया ये, तो दूसरा आंसर किसी बच्चे ने लिखा और दूसरा किसी और स्टूडेंट ने लिखा मेरा, तो इस पेज पे ही हमारा ये जो असाइनमेंट है ये जहाँ तक है फिनिश हो जाएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो देखते हैं हम फिनिश होता है कि नहीं इस पेज पे हमारा जो असाइनमेंट है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट नहीं है इसके आगे और ये लास्ट पेज है। तो देखिए शायद गाइज ये लास्ट पेज ही था और यहाँ पे हमारा जो असाइनमेंट है ये फिनिश होता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और